देश में कोरोना महामारी फैली है, ऐसे में किसी की जान ब्लड की कमी से ना जाए। ब्लड की कमी मुंबई में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई के कांदीवली पूर्व स्थित अलिका हॉल में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर मुंबई जिला राजपति यादव द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजपति यादव पहली बार नहीं बल्कि कई वर्षों से कांदीवली की जनता के बीच कार्य कर रही हैं। अब उसी कड़ी में कोविड-19 को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पूरा ध्यान दिया गया। राजपति यादव ने इस दौरान रक्तदान शिविर में कैबिनेट मंत्री असलम शेख, कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई उपाध्यक्ष चरण सिंह सापरा, मुंबई महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर अंजिता यादव, महासचिव सचिन सावंत, कालू बुधेलिया, अशोक कमला प्रसाद यादव, प्रशांत गायकवाड़ और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। आज का मेरा टारगेट 300 का था, जिसको हम ऑलरेडी 150 क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, लोग आ रहे हैं और हमारा योगदान 200 के अबाव था, ये हमको पूरा कॉन्फिडेंस था। इसलिए हमने दो ब्लड बैंक्स का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, एक हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कांदिवली वेस्ट में, उसकी ब्लड बैंक है और एक हमारी दोमवली ब्लड बैंक है। तो इसी तरह हमने आज इस बड़े हॉल में, हमने तो पहला स्पेशियस हॉल लिया, एसी हॉल लिया और उसके साथ साथ हमने ये पूरी कोशिश की कि ज़्यादा कंजेशन ना हो। हमने अलग अलग तरीके से एरियाज नियुक्त किए, रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बनाए, चेकिंग के काउंटर्स बनाए, स्क्रूटनी के काउंटर्स बनाए, उसके बाद जो ब्लड डोनेशन की चेयर्स हैं वो लाइन से रखी गई विद डिस्टेंस, और जो विजिटर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, जैसे हमारे आदरणीय भाई जगताप जी आके गए, हमारे आदरणीय असलम शेख, हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी आके गए, तो उनके लिए हमने स्पेशल अलग से उनका स्वागत करने के लिए अलग एरिया बनाई। तो इस तरीके से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, बाहर भी आप देख रहे हो, बाहर भी हमने कुर्सियाँ रखी हैं और यहाँ पे भी जैसे डोनर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा आयोजन किया है और ये कांदिवली में आज तक का जो भी कांदिवली में जो ब्लड डोनेशन, ये सबसे सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। थैंक यू वेरी मच। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष माननीय भाई जगताप जी, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सपरा, असलम भाई मंत्री हमारे असलम भाई, सबके आदेशानुसार उत्तर मुंबई में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। उत्तर मुंबई का 7वां ब्लड डोनेशन कैंप है और एक आज कांदिवली विधानसभा का है। सबसे पहले मैं कांदिवली विधानसभा के सभी हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, यूथ, महिला सेवादल, NSY, सभी फ्रंटल के सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप देख रहे हैं अभी करीब करीब दोपहर के 10 बजे के करीब हम शुरू किए, 1 बज रहा है, 150 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में अभी भी लोग लाइन लगा के हैं, लोगों में उत्साह है। बहुत सारों ने हमारी देखा कांग्रेस कैंप लिए, आज भी कुछ लोग ले रहे हैं कांदिवली विधानसभा में, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ का माहौल और उनका, लोग एक स्फूर्त ताकत से स्वयं खुशी खुशी से यहाँ रक्तदान देने के लिए आए हैं। जितने रक्तदान दिए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। पहला नहीं है, हमने 11 अप्रैल को जब स्वास्थ्य विभाग ने ये चिंता जताई कि मुंबई में खून की किल्लत है, खून की कमी है, तो हमने तुरंत मुंबई कांग्रेस ने ये मिशन हाथ में लिया और हमने कहा 10,000 यूनिट, 10,000 बोतल हम लोग डोनेट करेंगे। और महात्मा फुले जयंती के दिन 11 अप्रैल से हमने ये अभियान शुरू किया। अभी लॉकडाउन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ब्लड बैंक की कुछ तकलीफें हैं, बावजूद के इसके आज तक हमने तकरीबन 4,500 बोतल ब्लड हमने दिया है और आगे हमारे हर रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। रक्तदान जैसा कोई भी बड़ा दान होता नहीं, किसी को आप जब जीवन दान देते हैं तो इससे बड़ा दान है नहीं। तो ये कांग्रेस के माध्यम से एक अभियान हमने छेड़ा और मुझे इस बात की भी खुशी है, कांग्रेस का देखा देखी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं,
रक्तदान जैसे काम के लिए किसी पार्टी का ये नहीं जरूरी, पर उन्होंने ये किया, मैं उसका स्वागत करूंगा। पर उसके साथ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं की और सारे दाताओं की, अब की बार सबसे ज़्यादा दिक्कत अब की बात आएगी। अभी तक 18 साल से 44 साल तक के ये जो ग्रुप है उसका अभी वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये वैक्सीनेशन कितना है पता है आपको? 6.5 करोड़ है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अगर इतने सारे लोग वैक्सीनेशन में जुड़ गए तो ब्लड की बहुत ज़्यादा तकलीफ मुंबई महाराष्ट्र में होगी, और इसलिए हमने अपील की है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये अभियान शुरू होने के पहले अभियान होने से पहले खास करके युवा मेरे साथ हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप ब्लड डोनेशन करिए, क्योंकि अभी ये महासंकट कोविड के ऊपर जो महासंकट कोरोना का है ये हटा नहीं है, और यूरोप बताया गया है तीसरा फेज शुरू हो गया यूरोप में। हमारे देश में, हमारे मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और मेरे सारे कार्यक्रम, मेरे जिलाध्यक्ष हो, मेरे कार्याध्यक्ष हो, मेरी महिला कांग्रेस हो, मेरे यूथ के लोग हो, मेरे बाकी सारे लोग हो, आज आप देख रहे हैं टीम कैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी के साथ कर रहे हैं। सुबह इन्होंने ब्लड डोनेशन शुरू किया, अभी तक 150 पार कर, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारी प्रॉब्लम ये है जैसे मुलुंड में हमारे 300 से ज़्यादा एक ही दिन में हुए, जैसे बोरीवली में 600 से ज़्यादा हुए, पर ब्लड बैंकों की दिक्कत है क्योंकि उनके पास इतना कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमने मुंबई कांग्रेस ने जो अभियान छेड़ा है 10,000 कामयाब है, हम पूरा करेंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं, वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उसके लिए आप घटक दल हैं, क्या प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे आज ताज्जुब इस बात का हो रहा है, घटक दल का वैक्सीन नहीं आता, केंद्र का वैक्सीन आता है। और जिस तरह की गंदी निचली स्तर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कर रही है, उसकी हमने कड़े शब्दों में इसके पहले भी निंदा की है, आज भी मैं निंदा करता हूँ। पूरे विश्व में एक ही देश हमारा भारत, हमारा इंडिया ऐसा है जिसमें ये उन नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सारे देशों ने अपने अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन फ्री करवाया, छोटे छोटे देशों ने, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने, जिसको ये आंख दिखाने वाले थे, इन सारे लोगों ने अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन करवाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं सूझ रहा है, ताज्जुब है इस बात का, और मैंने इसके पहले भी कड़े शब्दों में निंदा की, आज भी मैं निंदा करता हूँ। मोदी जी, आपको लोगों ने राजा नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनाया है, और आप तो कहते थे कि हम प्रधान सेवक है, किसके सेवक है आप? इस देश की जनता हर रोज जिस तरह से चिताएं जल रही है, आपने तो दिए जलाने की बात की, देश में तो चिताएं जल रही है, और फिर भी अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और वैक्सीनेशन का मामला तो और ज़्यादा ये होगा, उलझेगा, क्योंकि ये 6.5 करोड़, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, 6.5 करोड़ जब उनको ये वैक्सीनेशन प्रोसेस में आएगी, वैक्सीन कहाँ से आएगी? आज भी मुंबई में 130 हमारे टोटल वैक्सीनेशन सेंटर हैं, आज भी उनमें से सिर्फ सात चल रहे हैं। उसका दूसरा मतलब होता है इनकी गंदी राजनीति के शिकार इस प्रदेश के लोग मुंबई के मुंबईकर हो रहे, ये बात अच्छी नहीं है।